कहते हैं कि भारत गांव में बसता है और गांव में ही सच्ची भारतीयता के दर्शन होते हैं। ये कहानी है पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक जिले में आबाद गांव दुर्जनपुर की, जहां जिंदगी की रेल बेलौस चलती है, कभी पटरियों पर और जरूरत पड़े तो बेपटरी होकर भी। अरे भैया का हाल चाल बा? ठीक बा भैया, ठीक बा, ठीक बा, ठीक बा, एकदम भैया, एकदम एकदम हमारा ठीक बा भैया। अरे हे भैया रामलाल। हाँ भैया। अरे आवा तुम्हें राजू अच्छी चीज दिखाई। कहीं जल्दी में रहे लेकिन आवा आवा आवा। बहुत प्रेम चोकरत बा रामलाल और लखन में। ऐसन कौन चीज है जो हम ना देखे? अच्छा रुका। का हो लखन भैया, ई कौने झाड़ में फंसा है यार? बाकी और अपन बतावा। अरे हम अपने रुई सूत के जुगाड़ में लाग है। अच्छा। ये मुर्गी फार्म डारे है। अच्छा। बर्मी कम्पोस्टो लगाई बगल यहाँ। किसान विद्यालय ताई जमीन की व्यवस्था कर चुका है। साल पूजन है। अरे बहुत बहुत सुंदर काम। हाँ, हाँ। कम से कम तू करवा तो आगे गांव वाले सीखी है। हाँ, हाँ, तो ये सब विकास होए। हाँ, हाँ। गांव में जौन बा कोनो काम तो करत है तो वह देख के चाल मने और आगे बढ़ा थे। बहुत अच्छा काम। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चली था हम नहीं नहीं चला चला साधे चौपाल में मिली थे तुम। हाँ 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 ठीक तनी ये पेड़वा लगाएगी। ठीक 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 चलते। हाँ बरसात बचवा। बहुत शांति आज काल गांव में। का हुए है गांव के? राम ललवा साथ चैन के बंसी बजावत बा। अच्छा रुका। एक खटियक मनई तीन खटियप कराए लाठी बंदूक न चलवाए दे तो कैसन करम चंद। अब देखा हमरे बुद्धि चमत्कार। सबसे नीक बाटे सैया किसानी। अरे भैया लखन तनी सुना, तनी सुना भैया लखन। का हो? हमारे पास इतना टाइम ना बा, हम जाते खेते में अपने आप अपन काम करें। अरे समय के करे लगे बतनी सुना। अरे लगे समय बस अत्यार बैठा रहा था, जहाँ बैठा वहीं आफत आ गया। हमें लग गया चढ़वा जोन बाद धरना दवा दिया डीएम ऑफिस में। वो बेचारा जेल चला के तीन महीना बाद छूट गया है। कालीचरण का 100 रुपया दे के काला झंडा मंत्री दिखवा दिया तू। ओका पुलिस वाले लगे ओकरे ऊपर खूब लाठी तूरिन बहाल लीला अपरम पार बा। तोहरे तुमसे बात करे लायक ना बा, हम जात हई। अरे तनी सुना। का सुनी? ई तो राज काज है, अब उन्हें कौन जरूरत रहा झंडा दिखावे के। वाह चढ़िया बेटा, सूली पे भरा करे भगवान है। अरे आज सुबेरे सुबह तो हर मुंह देख ले है और समझा ले अगर लाठी चले बचिया जान ला बहुत बड़ी बात है। छोड़ा उकुल, आवा चला भीतर बैठा तो है एक ठीक बात बतावे गुआ। यही कौन बिजली की तबा? हम यही ठीक है, बतावा। हम तो जन सेवक है, सबके सेवा करम हमार धर्म है। आज सोचे तोहार सेवा कह दे। अरे भगवान बचावे तोहरे सेवा से। देखा काम की बात ये है कि राम ललवा जोन मुर्गी फार्म खोले बा। हाँ, खोले बा, खोले बा। हाँ। और जोन वर्मी कंपोस्ट लगाए बा। हाँ, लगाए बा। ये कुल पैसा कहाँ से आए?
अरे वो अपने मेहनत मजदूरी से पैसा बटोरे बा। मेहनत से ना उ तोहरे खतौनी लोन ले 15 लाख। हमारे खतौनी कैसे वो लोन ले ले, तुहे कैसे पता? हमार नाम करमचंद है, हमका कुल खबर है। अब जा तू उसे लोन का कागज मांगा, देखा देत है जमीन का पैसा लौटाए पाई ना, और जमीन जाई तोहार। जा कागज मांगा, देखा दिखावत कागज। चल तैपा लागे। अरे काहो रामलाल भैया, कैसे है यार? अरे काथी हम बटन लगाए है, दिखा ना भाई, ठीक तो बाटी। ऐसे पूछ ले, बड़ा मेहनत करत है यार, कैसे कह पावत है इतना मेहनत? जैसे तू चाल चूल कह लेत है। आए तो रहे तोहरे उपकार खाती, लेकिन तू हमें चिढ़ावत है यार। जा ना बताई। अरे ना ही करमचंद भैया, वो तो ऐसे कह दिए, तू हमसे अलग थोड़ा है यार। देखा बात ती है कि आज काल क्यों तोहार कितनो सगा होए, तोहसे कौनो पैसा वैसा कागज मांगे, दिखाया जिन कागज नाही तो कागजवा फाड़ दे, और बैंकवा वाले तोहसे 3 गुना पैसा वसूलिए। कल ये हम बैंक मैनेजर से बात कही काए, जाने आज काल सब दूसरे कागज बहुत फारत है। भल कहा करमचंद भैया, बताए दिया, अब हम मर जाब, लेकिन कागज न दिखाई। हाँ हाँ, कागज न दिखाया भैया। तुहार एहसान अब जिंदगी भर न भूलब हम। एहसान कौन, हम तो जन सेवक है। चल थी भल की हा, बताए दिया। हाँ हाँ, चल अच्छा, पालाई पालाई भैया। अरे 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 उस्ताद, का हाल वही बतावा। बेटा है तरकीब नंबर 17.5 लगाई कावत है। अरे तब तो मरबा, तू खून खच्चर करा देबा। बेटा राजनीति में खून देख पड़त है, है? लेकिन आपन ना है दूसरे के, मतलब मनवा ना। तू बताओ कोनो सेवा हमरे लायक होय, बताओ। नहीं नहीं, हम अपन सेवा कैले आज तो मजे आई आई। अरे जात बाटा तू गजबा एकदम। का हो रामलाल? हाँ भैया, और बताओ का हाल है? हाल चाल सब ठीक है बाप, क्या है एकदम एकदम ला गई है, हम कह बराबर कह देते चा। उन्हें लोन वोन लिया है? हाँ यही ताई ले आई लोन, वर्मी कंपोस्ट और मुर्गी फार्म ताई। हाँ का कागज दिखाऊंगा हम मैं तंचा? कागज दिखाया जी, कागज नाही तो कागजवा फाड़ दे, और बैंकवा वाले तोहसे 3 गुना पैसा वसूलिए। कागज ना दिखाई, काहे ना दिखाऊंगा? ना दिखाई कागज, खानदानी बेईमान है यार, तोहार पूरा खानदान बेईमान है। तू हमरे खाते लोन ले लिया, आगे बाद हम में तू दोन पर कागज दिखाऊंगा। हां दिखाई वो नहीं, लठिया ला मार तो सब फाट जाए, का का पड़ाएगा बता दे। तो दादा इना कह रहा है, जान लिया जान लिया। मैं अपने कैसे मार भाई, मार कहां है खड़ा? तू का कागज ना दिखाई, कागज दिखाई पड़ी ना दिखाई, बेईमान है। कहां भाई मैं हूं? Thank you.
एका कहा दिन करमचंद के बुद्धि तरकीब नंबर 17.5 लगाए मजा आई। पंचायत बुलाओ जा देखा बुलाओ खूब बुलाओ जा देखा 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 सिकाय टाइम कुतिया बीमार कुतिया ढेर यार कहावत ना बताओ ना तब बे लठिया ला ढांस देम ने कुल कहावत तो हर पिल से निकल जाए कर रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी का प्रधान जी और दादा ये चला के रहे तंचा मशीन बनवावे पुरान मशीन है मेंटेनेंस मांगत है। अरे मेंटेनेंस तो तू मांगत है तनी देर से 3-13 के है हमार पंचायतिया कब होई। अरे तनी मशीन बनवावे चला कर रहे अब तोरे नंबर है तो बताओ क्या मामला है दादा इनके तो ये मारपीट के लिए बात है। अच्छा अच्छा लखन हुए रामलाल। हाँ 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 अच्छा अच्छा तो लाठी से कि बम गोला से बंदूक से कछुआ से नहीं दादा हमारे सब खानदानी मनाई है जाना था अच्छा हमारे खानदान में 7 पुस्त से सिर्फ लाठी चलत है और कुछ ना चलत। अच्छा और का लाठी से लड़ते हो प्रधान जी ये सब दादा इन्हें सबके कुल हाल मालूम बा का हाल मालूम बा यह कि तोरे नाटे मारे घरे में बर्तन मारे छोड़ दिए सारे किनारे वाले मंदिर में एक को मेरारू देख ना सकते कैसे बताओ बताई ओ भैया रामलाल। हाँ भैया तू ही बतावा हम ऐसा मनाई बाकी जॉन पिकी पिकी बोला था ना जॉन कांटा आप मारा मक्खिया उज्जर हो जाए। अरे ऐसा ना है शांति से काम ले जाए शांति से बात कर जाए शांति से दादा इनका समझा लिया ना है तब बने उठाए जब लाठी और जब परे लागे तो कहाँ शांति और कहाँ सुभद्रा। हाँ रामलाल भैया सही कहा इतने प्रेम चौकरत रात का करे लाठी चलाया है आए और यहाँ पंचायत में आज फाय फाय करत है सासी दादा हमें पता रहा तू ये कहबा लेकिन ये हमारे खेते पर लोन लिए हैं और हमें कगदो ना दिखावत है कौन सा कहत रहा अब ये लाठिया करे मुहन ठांस दे। हाँ भैया लाठिया बंदूक हो गए सबके मन ठासा चल थे दादा हमका पता चला है कि हमारे बैंक के कागजात जोन भाई ओका या लड़के फरवैया हैं अच्छा जोने बैंको वाले हम ही का चाप दिए। हाँ। और देखा काली साझे का है कि मारे हमारे हमारे टेंगारी लड़के फाट गए हमारे गोल। ओह नो ई देखा भैया अच्छा ई अब अपन सूत्रों बता दे तोरे दोनों जनी कि कागज वाला भ्रम फैलाए इसके आए हम्मत करमचंद भैया बताए हो गए खेला करमचंदवा ससुर अपने आदत से बाज न आए एकदम न आए अब इनका ससुर का सुधराई पड़ी जा हो पट्टे जा करमचंद का उठाए लावा तो जा सुधराई पड़ी। अरे उस्ताद तीर तो एकदम सही निशाने प्लाग बाद तो खून खच्चर हो गई इन्ने सारे डरपोक हैं इन्ने खून खच्चर न करिए खाली लठिए चलाई है। अरे जाए तो मर्डर उडर न भैया 302 हो तो मजा आओ। अरे का कर पा कुल बुद्धि बलिहारी है ने। अच्छा अब तू जा आज मजा आएगी बा हमें सुकून के नींद ले। हाँ हाँ आग लगाए के बाद मजा आईबे कर से चला था हम तो सुबह आराम से। हाँ हाँ तू चला आज तो मजा आई इनका देखा जहाँ में आग लगाई के सोआ था उठाई जाओ तो नहीं सर उठा दो।
करमचंद भैया ए उठाओ करमचंद भैया ई हम कहाँ आइए बेटा करमचंद तू आए ना हया तू लाई गे हया आखिर तू अपने आदत से बाज ना आया लाठी चलवाई दिया दादा हम लाठी ना दिमाग चलाई थे अरे हम खूब जानी थे तुम्हें तो एक नागिन और पंख लगाई सही क्या दादा एकदम सही दादा आप तो हमें यस डांटत हैं जैसे कौनो गाय मार दे होई का झूठे बुढ़ौती में लीडरी चमकावत है चुप रहो बेशर्म कहीं के हैं जब भगवान बुद्धि दिए हैं तो गांधी जी ना उसका सदुपयोग करो क्यों दुर्जनपुर में महाभारत करा रहे हो हैं साथ रहें ये आदत से अपने मजबूर हैं मनिया ना है हाँ दादा गांधी जी नोटिए ठीक लागत थे अच्छा और गांधी जी तो लंगोटी पहनत रहे और तू तो कुर्ता पहन के घूमत है या कहें तू लंगोटी और चिथरा बांध के घूमते है दादा देखो तो हर बेइज्जती करते हैं मार देते हैं हर पर से धक्का दादा हमरे रहते सब ना हो पाई पंचायत निर्णय करत बाने शांत रहा तो सबके न्याय मिली ठीक तो पंच लोगों का क्या निर्णय है बताइए आप लोग दादा हमार पूरों जनी की निर्णय ही है इन्हें दंड जरूर मिलना चाहिए हाँ हाँ दंड तो मिलेगा इनको लेकिन समझ बूझ के आप ही निर्णय लिए ना ही खून खच्चर हो गया अच्छा देखिए हम लोग का निर्णय ये है कि करमचंद ने गलती बहुत बड़ी की है जी। अरे बहुत बड़ी की है इनकी तो पंच यह निर्णय करता है कि करमचंद को मुंह में कालिख लगाकर ठेले पे बैठाकर गाजे बाजे के साथ गांव के बाहर नदी में फेंक दिया जाए हाँ हाँ फेंक दिया जाए शांति बनाए रखो हाल हमारा पूर हो गया तभी तभी दुर्जनपुर के लोगों का कल्याण होगा बोलो पंच परमेश्वर की जय सत्य की जय असत्य का नाश हो नो 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 तो है ना छोड़ा दादा अब बढ़िया लगा तेरा करमचंद दादा तो हम बताए भैया जा मारी बताया अंदर जा अंदर जा अंदर जा खेला देखा किस्मत का खेला
गंगा वाले जाने कि हम सुधर गए। हमार नाम करमचंद है। अब की दादक यस चापम की मनाई हुई गई है। जय भवानी।